भूमाफियाओं द्वारा किए गए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, यहाँ खेतों में खड़ी हरी फसल पर बुलडोजर चला दिया गया, किस तरीके सब पूरा मामला रहा आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें तहसील के रोड क्षेत्र के नगला पुनू की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खेतों में खड़ी खड़ी फसल पर किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तहसील रोड क्षेत्र के नगला पुनू में SDM के रोड ने पुलिस व राजस्व विभाग की टीम की मदद से भूमाफिया द्वारा कब्जा की गई 68 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। सरकारी जमीन पर खड़ी फसल को JCB से नष्ट कराया गया। सोमवार के दिन SDM शिवनारायण शर्मा, कमल कुमार सिंह, CO कुरौली संजय शर्मा की देखरेख में राजस्व पुलिस टीम ने नगला पुनू जाकर गांव के अशोक कुमार दीक्षित, तिवारी लाल, संजीव कुमार, सुधीर कुमार, सावित्री देवी, जगदीश प्रसाद, श्याम सिंह सहित लोगों ने जो कि 68 बीघा ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेहूं की फसल बो रखी थी, टीम ने पूरी जमीन की जांच पड़ताल कर JCB से खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संजीव कुमार का कहना है कि वर्ष 1970 में पट्टे हुए थे, कमिश्नर ई कोर्ट आगरा में मामला उनका विचाराधीन है, लेकिन राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सरकारी जमीन को कब्जा हटा दिया है। हालांकि यह खड़ी फसल पर चलाए गए बुलडोजर को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं भी होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दिया है। एजेंट साहब, जमीन पे अवैध कब्जे का कार्रवाई हो रही है, कितने बीघे पे कार्रवाई हो रही है और कौन लोग हैं और किस तरह की ये जमीन है? ये लगभग 68 बीघे जमीन है, जिसमें 48 बीघे जमीन जो है भूदान कमेटी मैनपुरी की है और 17 बीघे जमीन खेल के मैदान और ग्राम समाज की है, जिस पर अशोक कुमार दीक्षित पुत्र विजय बहादुर, तिवारी लाल पुत्र रामचंद्र, संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सुधीर कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, जगदीश प्रसाद पुत्र जया प्रसाद, श्याम सिंह पुत्र जया प्रसाद और इनके अलावा और भी अन्य कई लोगों का अवैध कब्जा था जिसे आज हटवाया जा रहा है। अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है, फसल जुट रही है तो फसल इन्होंने मना करने के बाद कई बार इनसे मना किया गया, ये सरकारी जमीन है, गोदान कमेटी की जमीन है, खेल के मैदान की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, इसे फसल ना बोएं, उसके बावजूद भी इन्होंने हट धर्मता पूर्वक जबरन फसल बो रखी है। इसमें कुछ जमीन बेची गई थी और जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका था, तो वो अनुचित है, वो इन्होंने अवैध रूप से बेची, इन्हें बेचने का अधिकार ही नहीं था। दाखिल खारिज को क्या कहेंगे? दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, वो बैनामा रखा हुआ है उस व्यक्ति के पास। कुछ दाखिल खारिज बता रहे हैं विरोधी, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज हुआ है तो दाखिल खारिज भी स्वतः निरस्त हो गया, जब उनके नाम निरस्त हो गए तो दाखिल खारिज स्वतः निरस्त हो गया। शिकायत किया स्वतः संज्ञान लिया आपने? नहीं, उसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में काफी दिनों से और शिकायत भी मिली थी और इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में धारा 38(2) में। जिसका कब्जा हटा वो बता रहा है उसका कोर्ट में भी मामला विचाराधीन, उसके जो जिस कोर्ट में भी विचाराधीन है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना कोई स्थगन आदेश है, ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि मुकदमा चल रहा है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो, ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है, ना ही उपलब्ध कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसने आपको बताया कि इसका कमिश्नरी में गलत बता रहा है, वो जो ही बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, वो अपने बचाव में गलत बता रहे हैं, उनके द्वारा ही सबको गुमराह करके सबको गांव वालों को सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनके द्वारा अवैध कब्जा करवाया गया है और उन्होंने ये जमीनें उनको बेची हैं और बैनामे नहीं हुए हैं, पैसे उन्होंने ले रखे हैं, भाई ठेके पे उठाते हैं, भाई पैसे लेते हैं हर समाज पे वसूली करते हैं उनसे। क्या ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं? बिल्कुल, यस, भूमाफिया किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई भी होगी, उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार इनके खिलाफ भूमाफिया एक्ट में भी कार्रवाई होगी।